आखिर क्या पकाया? अर्पिता अपनी बड़ी बड़ी पलके झपकते हुए संजय की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में एक अलग ही लुक था। वो कहने लगी, मिस्टर संजय, जो कि डील अभी तक पक्की नहीं हुई है, तो ये इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बहुत इम्पोर्टेंट बातों में से एक है। मैं ये किसी और को नहीं बता सकती। संजय चुपचाप अर्पिता की बातें सुन रहा था। एक बार कायरा इस डील के लिए हाँ कह दे तो आप मैनेजर गीतांजलि से खुद इस बारे में पूछ सकते हैं जब वो आपको इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देने आएंगी। बहुत अच्छे अर्पिता ने तो कंपनी के प्रेसिडेंट को ही चुप करा दिया था। संजय अपनी तिरछी नजरों से अर्पिता को घूरने लगा। भले ही उसमें बातें छुपाने की और रहस्यमय बने रहने की कोशिश की थी, उसने इस बात को दिल से नहीं लगाया। उसने अपने सामने रखे ब्रेकफास्ट की ओर देखा और उसने सैंडविच का वो टुकड़ा अपने मुंह में रखा। सैंडविच का टेस्ट वाकई में अच्छा था। पहले की तुलना की जाए जब उसने किचन में अपना हाथ आजमाया था, इस बार उसने काफी अच्छा खाना बनाया था। यहाँ तक कि उसका प्रोग्रेस काफी बड़ा था। वो सैंडविच का टेस्ट इतना अच्छा था कि संजय को अर्पिता पर शक होने लगा। आज का ब्रेकफास्ट तुमने बनाया है? संजय ने अर्पिता की ओर देखते हुए पूछा और उसने आमलेट का टुकड़ा अपने मुंह में रखा। उसे तीन हिस्सों में बांटा गया था, ठीक जैसे संजय को पसंद था। उसका टेस्ट भी काफी अच्छा था, ना ही खारा ना ही तीखा। सब कुछ नहीं। अर्पिता की आंखों में गिल्टी लुक साफ नजर आ रहा था। वो संजय के सामने जाकर बैठ गई। अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसने अपनी ब्रेकफास्ट की प्लेट से और चुपचाप अपना सिर झुकाकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। वो मन ही मन ये सोच रही थी कि काश संजय इस बात को भूल जाए। जाहिर है कि सैंडविच और ये ऑमलेट तुमने नहीं बनाया है। अर्पिता की बात सुनकर संजय ने जवाब दिया, हालांकि उसके चेहरे पर हैरानी का जरा भी निशान नहीं था। हालांकि टेबल पर रखी मेन डिशेस से अपनी नजरें हटाने के बाद उसकी नजर साइड में रखे केक पर गई। ये तुमने बेक किया है? केक बनाना इतना भी मुश्किल नहीं था। अवन में टेम्परेचर को एडजस्ट करना और सही तरीके से केक का मिश्रण बनाना, इतना तो अर्पिता को आता ही होगा। अर्पिता ने जैसे ही संजय की बात सुनी, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। इसका मतलब कि उसका जवाब नहीं था। संजय ने अपनी आईब्रो कस ली। उसने टेबल पर रखे ब्रेकफास्ट पर फिर से अपनी नजरें घुमाई और उसकी नजरें साइड में रखे सैलड की ओर गई। अपनी आंखों के इशारे करते हुए वो कहने लगा, ये नहीं, ये नहीं। अर्पिता ने धीमे से जवाब दिया। संजय खामोश हो गया। अर्पिता ने ना ही सैंडविच, ना ही आमलेट, ना ही केक और ना ही वो सैलड बनाया था। तो मुझे बताओ, आज के ब्रेकफास्ट बनाने में तुम्हारा क्या योगदान है? वो भी थोड़ी देर पहले डाइनिंग टेबल के पास बहुत बिजी नजर आ रही थी। क्या उसने सच में सिर्फ टेबल पर डिशेस अरेंज करने के लिए शेफ की मदद की थी? किसने कहा मेरा कोई योगदान नहीं है? अर्पिता चिढ़ते हुए कहने लगी। संजय के सामने रखे दूध के गिलास की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने दूध को गर्म किया है। संजय अर्पिता की बात सुनकर खामोश हो गया। तो संजय को थैंक यू कहने का ये उसका तरीका था, सिर्फ एक गिलास दूध को गर्म करना? मैंने टेबल को साफ करने और डिशेस को लगाने में भी मदद की है, अर्पिता ने जल्दी जल्दी में कहा। अर्पिता संजय को खुद को घूरता हुआ देख पा रही थी। क्या इसे उसका योगदान समझा भी जा सकता था? अर्पिता संजय के लिए खाना बनाना भी चाहती थी, लेकिन खाना बनाना एक कला थी, क्या भगवान का गिफ्ट ही समझो, जो उसे नहीं मिला था। अगर अर्पिता फिर से एक बार संजय के किचन में आग लगा दी थी तो उसे फिर से अपने बोनस से हाथ धोना पड़ता। और उसे संजय के पेट की भी चिंता थी। संजय ने कम से कम उसकी इस सोच का ध्यान तो रखना चाहिए। अनन्या, क्या ये टेस्टी है? अर्पिता पलटकर अनन्या की प्लेट में रखे हुए केक की ओर इशारा करते हुए पूछने लगी। अनन्या अपने हाथों में चम्मच लिए अपनी प्लेट में रखे बॉइल्ड अंडे को खाने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसका मुंह खाने से भरा हुआ था। उसने जैसे ही अर्पिता की बात सुनी, वो खुश होकर जवाब देने लगी, बहुत बहुत टेस्टी है। उसकी आंखों में समाधान साफ नजर आ रहा था। धीरे धीरे खाओ, वरना खाना गले में अटक जाएगा, अर्पिता उसे याद दिलाते हुए दूध का गिलास उसे देने लगी। अनन्या ने जल्दी जल्दी उस दूध के गिलास को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि उसने डकार भी ली। अपना मुंह पोंछते हुए संजय को देखते हुए वो कहने लगी, डैडी आप क्यों नहीं खा रहे हैं? कितना धीरे, कितना धीरे।
कितना धीरे, कितना धीरे। संजय को लिटिल प्रिंसेस से ये ताना सुनने को मिला। अर्पिता ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। आखिर संजय को टक्कर देने वाली कोई तो थी। लेकिन अर्पिता ने सोचा नहीं था कि अनन्या ये कह देगी। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लगा। ये देखते हुए कि अनन्या ने अपना खाना खत्म कर दिया है, उसने अनन्या को अपनी गोद में उठाया और संजय से कहने लगी, मिस्टर संजय, ऑफिस जाने का समय हो गया है, मैं अनन्या को पहले लेकर जाती हूँ। जब वो लोग मित्तल कॉर्पोरेशन पहुँचे, अर्पिता ने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाने से पहले अनन्या का ध्यान रखने के लिए असिस्टेंट को प्रेसिडेंट ऑफिस में बुलाया। कायरा ने पब्लिसिटी डील के बारे में डिस्कशन करने के लिए अर्पिता को सुबह का समय दिया था। सबसे पहले अर्पिता को साउंड प्रूफ मीटिंग रूम में सारी तैयारियां करनी थी और तो और उसे कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी करवाना था। वो अपने मन में अपने काम की लिस्ट बना रही थी। इसी सोच में वो अपने डिपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगी। क्या आप आज की बाहर जाने की परमिशन लेंगे मिस अर्पिता? सेक्रेटरी ने जब अर्पिता को देखा, वो उसे देखकर पूछने लगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सब लोग इस बात से वाकिफ थी कि अर्पिता कायरा से मिलने का मौका ढूंढने के लिए हर रोज बाहर जा रही थी। जब वहाँ मौजूद लोगों ने सेक्रेटरी का सवाल सुना तो वो पलटकर अर्पिता की ओर देखने लगे। मुझे आज बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि अर्पिता अपनी बात खत्म कर पाती, पीछे से किसी की आवाज आई, ओह मिस अर्पिता, आज आप बाहर नहीं जा रही हैं। क्या सही समय आ गया है कि आप अपनी हार मान लें? ऋषभ जैसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आया, वो मजाकिया तरीके से अर्पिता के पास से गुजरते हुए पूछने लगा। अर्पिता ने अपनी आईब्रो कसी, पर वो ऋषभ से कोई बहस नहीं करना चाहती थी। वो ऋषभ को पीछे छोड़कर अपनी सीट के पास चली गई। ये देखते हुए कि अर्पिता कोई जवाब नहीं दे रही थी, ऋषभ को लगा कि वो इसके पहले भी ऐसा कर चुकी है और शायद अब वो हार मान चुकी है, और वो उसे और सुनाने के लिए आगे चले गया। हमारी शर्त को भूलना मत अर्पिता, अगर तुम कायरा को पब्लिसिटी डील के लिए नहीं मना पाई तो ये मान लिया जाएगा कि तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रहने लायक नहीं हो। ऋषभ, अभी भी अर्पिता को दिया हुआ वक्त खत्म नहीं हुआ है, तुम इस बात को अभी क्यों ला रहे हो? वरुण को लगाकर ऋषभ अपनी हदें पार कर रहा है, और वो उसे समझाते हुए चुप रहने को कहने लगा। शुरू से लेकर अभी तक ऋषभ ही इस शर्त के पीछे लगा हुआ था। अर्पिता ने तो कुछ कहा भी नहीं था, और तो और अर्पिता मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर थी। ऋषभ पहले ही अपने सीनियर से इस तरह बात करके अपनी हदें पार कर चुका था। चाहे जो भी हो, मुझे लगता है कि कायरा को कोई नहीं मना सकता। अब कहना मत कि सारे लोग मेरी बात से सहमत नहीं है। पीछे से किसी की धीमी आवाज आई। जब सब ने ये सुना, वो सब चुप रह गए। ऋषभ को उन शब्दों ने हौसला दिया और वो अर्पिता को और भी तंग करने के बहाने ढूंढने लगा। जो कि उसमें अर्पिता को ओपन चैलेंज दिया था, वो उसे जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था। अगर वो इस मौके का फायदा उठाकर अर्पिता को मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बाहर निकलवा पाया तो वो अदिति का सबसे बड़ा मददगार साबित हो जाएगा। अगर हम उसे एक हफ्ते की जगह एक साल भी दे दें तो भी वो कभी कायरा को नहीं मना पाएगी। क्या आप लोग नहीं जानते, कोई कायरा के इवेंट में फैन की तरह घुस गया था लेकिन उसके मैनेजर से तक नहीं मिल पाया। सब लोग खामोश हो गए। मैं तो कहता हूँ ऐसे इंसान पर डिपेंड रहकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ये प्रॉब्लम मैनेजर गीतांजलि को कैसे बताई जाए इस बारे में सोचते हैं, ना कि अर्पिता की बातों का विश्वास करके बैठे रहें। ऋषभ बात करते करते अर्पिता के सामने चला गया। वो जान बूझ कर रहा था। अर्पिता भी ऋषभ की ओर देखने लगी। उसने कहा, रुको, क्या हुआ मिस अर्पिता? आप बीच में खड़ी होकर मेरा रास्ता रोक रही हैं। मैं गलती से आपसे टकरा गया, आखिर क्या चाहिए आपको? ऋषभ अपनी आवाज ऊंची करके अपने आसपास मौजूद लोगों को अटेंशन पाने की कोशिश करने लगा। अगर अर्पिता ने ऋषभ के टकराने को लेकर उससे बहस की तो सब लोग समझेंगे कि ये अर्पिता अपना सीनियर होने का रौब झाड़ रही है। अर्पिता ने ऋषभ को इग्नोर किया और अपने आसपास मौजूद लोगों की ओर देखने लगी। उसने धीमे से कहा, मुझे याद है कि तुमने क्या कहा था। अगर मैंने कायरा को पब्लिसिटी डील के लिए मना लिया तो तुम अपने घुटनों पर बैठकर सबके सामने मुझसे माफी मांगोगे।